हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका CAIIB का BFM यानी बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 है, मॉड्यूल ए, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव से क्या समझते हैं, आपको बोले डेरिवेटिव्स तो क्या समझते हो डेरिवेटिव से? तो बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अगर हम इसको ऐड कर दें, समझिए पहले क्या होता है ये समझिए। डेरिवेटिव्स बेसिकली हम ये बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स में यूज होता है। ठीक है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और जहां पे फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे आप इंडिया से हैं और एक अमेरिका से, INDA इंडिया और एक यूएसए का है, तो भारत में रुपया चलता है और यहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है, और ये होता है जैसे मान लीजिए एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 77.672 है, फिर चेंज होकर 77.7972 हो गया, या फिर घट के हो सकता है कि 77.5772 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेंज होता है यानी फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है? चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो एक रिस्क जुड़ा हुआ है, एक्सचेंज रिस्क। क्या रिस्क है? एक्सचेंज रिस्क जुड़ा हुआ है ना, या हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज का रिस्क जुड़ा हुआ है। कि हम लोग सोचे थे इतना में खरीदेगा, खरीद रहे इतना में, एक तरीके का रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर लॉजिक समझ में, तो अगर हम डेरिवेटिव्स को ऐड कर देते हैं उसके अंदर, डेरिवेटिव्स को हम डाल देते हैं, जो भी एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है ओपन पोजीशन। एक्सपोजर का क्या मतलब है यहाँ पे? ओपन पोजीशन को हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। जितने पोजीशंस ओपन होंगे उसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। ओपन पोजीशन क्या बोलते हैं? एक्सपोजर, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओपन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है, हम एक्सपोजर पे अगर कुछ हम ऐड कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इफेक्ट्स है, जो आपको लॉस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे या कम कर दे या ऐसा ला दे जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं कि एक तरीके का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग मतलब जो रिस्क को कम करता है। तो सारा पॉइंट आप लिख लीजिए, डेरिवेटिव्स क्या है? एक तरीके का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाता है, हेजिंग का क्या मतलब होता है? टू मिनिमाइज लॉस या रिस्क को कम करना। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स को हम लोग कहां ऐड करते हैं? तो डेरिवेटिव्स एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जिसको कि विच वेन एडेड विच वेन एडेड टू द एक्सपोजर विल न्यूट्रलाइज, क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा या अल्टर करेगा एक्सेप्टेबल लेवल, और अल्टर टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स जो होता है डेराइव किया जाता है मार्केट से, प्रोडक्ट से, रिस्क से, जो भी या कोई दूसरा एंटिटी जो कि एसेट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है या फिर इंटरेस्ट हो सकता है। डेरिवेटिव्स हम कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम फॉरेन एक्सचेंज में लगाएं, बट ज्यादातर डेरिवेटिव्स फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता है। ये मार्केट के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, रिस्क के लिए हो सकता है। तो आप लिख लीजिए कि डेरिवेटिव्स आर डेराइव फ्रॉम मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और रिस्क। ठीक है, और एनी अंडरलाइंग एंटिटीज और एनी अंडरलाइंग एंटिटीज विच कैन बी एसेट इंडेक्स या फिर इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई।
अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में कुछ डेरिवेटिव्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो क्या क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्वैप्स हो गया, फ्यूचर रेट एग्रीमेंट हो गया और फ्यूचर्स हो गया, सॉरी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, फ्यूचर्स हो गया। तो यहाँ जो पॉपुलर डेरिवेटिव्स क्या क्या है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और फ्यूचर्स। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डेरिवेटिव्स का, सम पॉपुलर डेरिवेटिव्स यहां पे जो हो जाएगा डेरिवेटिव्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज, लिख लीजिए फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो जाएगा ऑप्शंस, तीसरा हो जाएगा स्वैप्स, चौथा हो जाएगा एफ आर ए यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। और फिर लास्ट में हो जाएगा फ्यूचर्स। इतने सारे चीज हो जाएंगे, ठीक है। ये पांच तरह का है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप्स, एफआरए, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स और फ्यूचर्स। इन सभी के बारे में बीएफएम में आपको इंडिविजुअली चैप्टर्स है, इंडिविजुअली चैप्टर्स वो पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि जब चैप्टर्स ही है उसको तो अलग से पढ़ेंगे ही हम लोग। सारा पॉइंट सब लिखते चलिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा सारा पॉइंट्स। बोलते हैं डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है ताकि आप बैलेंस कर सके रिस्क को बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि मैनेज करना रिस्क को। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है कि रिस्क को मैनेज करना, और वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से। नेचुरल सी बात है भाई, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसका काम क्या है कि इज यूज्ड टू मैनेज रिस्क। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मैनेज द रिस्क, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। तो डेरिवेटिव का काम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, कि रिस्क को मैनेज करना, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, तो और रिस्क का होता है क्या, मतलब रिस्क से समझते क्या है। रिस्क का मतलब है जोखिम। कहते हैं कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं दो चीज होगा, या फेवरेबल इफेक्ट होगा या अनफेवरेबल इफेक्ट होगा। बेसिकली हम रिस्क को यहाँ पे अनफेवरेबल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, या कोई अनप्लान्ड इवेंट की बात कर रहे हैं। क्या बोले, अनफेवरेबल इफेक्ट है या अनप्लान्ड इवेंट हो गया जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज यानी फाइनेंशियल लॉसेज हो गया, ठीक है, या रिड्यूस्ड इनकम हो गया, ये हो गया रिस्क। इसको आप लिख सकते हैं कि इसको आप क्या बोलेंगे, डिफाइंड एज अनप्लान्ड, ये क्या, अनप्लान्ड इवेंट विथ फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस, ठीक है, रिजल्टिंग इन, जैसे क्या हो गया, रिजल्टिंग इन लॉसेस। अनप्लान्ड इवेंट था, फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्टिंग इन लॉसेस और रिड्यूस्ड इनकम, ठीक है, ये सारी चीजें।
तो सारे पॉइंट्स प्लीज बना के कॉपी में अपने लिखते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर आप सीएबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल रहेगा वीडियो में, प्लस पीडीएफ रहेगा, 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होंगे पीडीएफ, 30 मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे आप सीआईबी का जो कोर्स करना है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है, जिसमें सीआईबी का एबीएम बीएफएम या रिटेल बैंकिंग करेंगे, उसका दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का अगर आप एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे यानी नो कंपलसरी पेपर करेंगे, उसका दाम है 2700 रुपये। सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे, दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, दूसरा नंबर है 7825546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jivsavvystudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sirsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। थैंक यू।